संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। बहुत समय से आपको वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं, इसके दो कारण हैं। पहला कारण था कि नेट सरकार की तरफ से बंद था, कुछ दंगे वगैरह हो गए थे। दूसरा कारण था कि स्वास्थ्य सही नहीं था, अब कुछ कुछ लाभ है तो वीडियो देने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने पूछा था कि आपको समास से संबंधित वीडियो चाहिए या अलंकार से संबंधित, तो उसमें बहुत सारे जो कमेंट आए हैं, या यूँ मानिए कि जो वोटिंग है, वोटिंग की विधि अपनाई थी, उसमें अलंकार ऊपर चला गया है, समास दूसरे नंबर पा गया है। तो हम अलंकार से शुरुआत कर रहे हैं और अलंकार को शुरू करने के बाद दूसरा नंबर समास का लेंगे। अलंकार को थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं और एक अलंकार को आज जानने का प्रयास करेंगे। और मैं आशा करूँगा आपसे कि जैसे और विषयों को आपने बड़े अच्छे से समझा है, और क्योंकि समझने के ऊपर डिपेंड करती हैं बहुत सारी चीज़ें, समझाता तो हर व्यक्ति कोशिश करता है कि अच्छे से ही है, लेकिन फिर भी आप लोगों की जो समझ है बहुत अच्छी है। मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ जिस विषय को लेता हूँ उसको पूर्ण रूप से अपना 100% देने का प्रयास करता हूँ। अलंकार में भी यही कोशिश करूँगा, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य भी सही नहीं है, आपको समस्या हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए अलंकार देने का। आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और धैर्य रखेंगे तो अलंकार आपको बड़े अच्छे समझ में आ जाएंगे। अलंकार जैसे हम जानते हैं, इसमें ज्यादा समझाने के लिए कुछ नहीं है। अलं करोति इति अलंकारा, अलंक्रियते इति अलंकार, कुछ भी कर लीजिए आप परिभाषा इसकी, जो अलंकृत कर दे। आभूषण का कार्य क्या होता है? किसी की सुंदरता में चार चांद लगा देना। एक महिला है साधारण सी, उसको यदि आभूषण और मिल जाए तो वो सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। यदि आभूषणों को हटा लिया जाए तो इसका तात्पर्य ये नहीं रहेगा कि महिला नहीं रही। इसीलिए काव्य प्रकाश, अब मैं यहां पर थोड़ा सा एक बात बताऊं, मैं तो कोशिश कर रहा था कि आपको एक साथ ही काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण दोनों के एक साथ देने का प्रयास करूं। मैं आज देने का प्रयास करता हूं, यदि आपको सही लगे तो बताना। मैं काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण, ठीक है, इन दोनों से अलंकारों की परिभाषा को समझाते हुए उदाहरण इन दोनों के लेकर के आगे बढ़ूं। तो एक अलंकार एक वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को लूंगा साथ में तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। हो सकता है आपको समस्या हो तो आप जैसा भी समझेंगे कमेंट के माध्यम से, मैं दोनों से भी समझा दूंगा और अलग से भी एक वीडियो अलग से भी बना दी जाएंगे। मैं इसलिए सोच रहा था कि क्योंकि दिमाग में ये रहता है कि काव्य प्रकाश में पता नहीं किस तरह से अलंकार दिया है, साहित्य दर्पण में कैसे दिया है, दोनों की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। उदाहरण दोनों के अलग हैं, समझाने का तरीका अलग है, चीज एक ही को बताई गई है, सभी में यही होता है अक्सर। तो उसको आज मैं एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तब समझ लेंगे आप। तो साहित्य दर्पण में और काव्य प्रकाश में देखने का प्रयास करेंगे। तो काव्य प्रकाश कार ने एक अलंकार के विषय में भी बोला है कि जो वाक्य होता है वो बिना अलंकार के भी काव्य हो सकता है, यानी उन्होंने अलंकार को यहां प्रमुख नहीं माना है। लेकिन अलंकार शास्त्री जो होते हैं, अलंकार संप्रदाय के जो लोग होते हैं, वो इस पर छींटाकशी करते हैं, कमेंट करते हैं, दोष लगाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो अलंकार में इसमें कुछ नहीं है। अब अलंकार होते कितने प्रकार के हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो शब्द हैं, शब्द जो बनता है वो वर्णों से मिलकर के बनता है, और वर्ण भी जब मिल जाते हैं तो शब्द वही सार्थक माना जाता है जिसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता हो। यानी कि शब्द अपने आप में कोई शब्द नहीं है, लेकिन जब अर्थ युक्त हो जाता है तब वह शब्द कहलाता है। तो शब्द में दो चीजें छुपी होती हैं, एक तो अर्थ छुपा होता है और एक स्वयं शब्द छुपा होता है, ठीक है। तो शब्द से जुड़ करके जब वो वर्ण होते हैं, जब शब्द बन जाता है तब वो उसके अर्थ की उत्पत्ति बाद में होती है। इसलिए शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो भागों में बांट दिया गया है। तो आज हम
शब्दालंकार जो हैं उनको जानने का प्रयास करेंगे। नेट में मुख्य रूप से चार से पांच ही लगाए गए हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं। पहला है वक्रोक्ति अलंकार, दूसरा है अनुप्रास, तीसरा है यमक, चौथा है शिलेश। ये चार हैं, एक और है कोई सा, नेट में ये चार ही लगते हैं। ठीक है, वक्रोक्ति अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, शिलेश अलंकार, ये शब्द अलंकार हैं और ये मुख्य ही हैं, प्रमुख ही हैं और ज्यादातर यही हैं। इससे ज्यादा एक आध और इधर उधर होगा उसकी कोई भी मान्यता ज्यादा नहीं है। हम क्रम से इनको जानने का प्रयास करेंगे। उसके बाद फिर अर्थालंकार आता है। यहां पर शब्दों को गिना जाता है, शब्द अलंकार जो है यहां पर वर्णों को गिना जाता है, यहां पर शब्दों को यानी पदों से पता किया जाता है। ये दो चीजें वर्ण और पद, इन दोनों से ज्ञात किया जाता है कि इसमें कौन सा अलंकार है। कभी पदों की अनुवृत्ति होती है, कभी वर्णों के इधर उधर होना होता है, कभी पदों को काटा जाता है, कभी कुछ किया जाता है, कभी पदों के दो अर्थ निकलते हैं, पद मतलब शब्द। इसलिए ये शब्द अलंकार कहलाते हैं। जैसे छंदनी पढ़े होंगे आपने, छंदनी दो ही प्रकार के होते हैं, ऐसे इसमें ही दो ही प्रकार के हैं, तीसरा बना लेते हैं उभय अलंकार, कोई मतलब नहीं है उसका, आप देख लेना जैसे भी है। तो अर्थालंकार क्या है? अर्थालंकार सीधे सीधे अर्थों पर जाते हैं, उसको पढ़ेंगे, फिर उसमें कुछ अक्षर हैं या वर्ण हैं या पद हैं, उनसे कुछ अर्थ निकलता है, उस अर्थ के द्वारा उन चीजों को लिया जाता है। ये तो सब जानते हैं, मैंने तो एक थोड़े इस रूप में इसको समझाया है। आज छोटा सा प्रयास है, शुरुआत की जो भूमिका होती है वो टिपिकल हो जाती है, उसमें समझ नहीं आता मैं आपको क्या समझाऊं, क्योंकि आप सभी जानकार हैं, यहां कोई छात्र तो छोटे मोटे बच्चे तो पढ़ते नहीं है, यहां तो कंपटीशन करने वाले अध्ययन करते हैं और वो छोटी चीजों को तो अपने आप से जान लेते हैं, फिर भी प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ बताते चलें। तो आज हम वक्रोक्ति लेके चलते हैं, ठीक है ना, वक्रोक्ति अलंकार। कुछ मित्र हैं कहते हैं कि आप बड़ा छोटा लिखते हैं, अभ्यास में नहीं है, बहुत कोशिश करता हूं ध्यान रखूं, छोटा रह ही जाता है, इसलिए बोलता रहता हूं। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, और अगर पुस्तक है तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो साफ निकल के आ जाएंगी चीजें। तो वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार जानते हैं। अब वक्रोक्ति क्या है? ये दो शब्द से बना है, वक्रधन उक्ति, सीधे प्रवेश कर रहे हैं अब हम, ठीक है। मैं पहले काव्य प्रकाश से परिभाषा दूंगा, उसके फिर उदाहरण दूंगा, फिर साहित्य दर्पण परिभाषा उदाहरण दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, यदि ये नहीं समझ में आता है इस तरीका, तो मैं अकेले अकेले भी इनको समझा दूंगा। वैसे तो मैंने इनको सही से समझा है, मैंने दोनों को कंपेयर करके तुलना करके अध्ययन किया है, तब मेरे अच्छे समझ में आया, अकेले में नहीं समझ में आता, आप जैसा भी समझेंगे। वक्रोक्ति का मतलब होता है, वक्र मतलब टेढ़ा, मैंने कुछ कहा दूसरे ने कुछ अर्थ लिया, जैसे कभी कभी व्यंग जो होता है एक तरह से मान के चलिए, तो वो व्यंग में भी उल्टी ही चीजें ली जाती, लड़ाई चल रही हो, कहा कुछ जाता है उसका अर्थ कुछ और लगा जाता है, वहां पर भी उल्टी चीजें हो जाती हैं। या किसी की बौद्धिक क्षमता कम होती है, कहते कुछ हैं और उसका अर्थ कुछ और लगा लेते हैं, यही वक्रोक्ति है, वक्र उक्ति। हालांकि कहने वाला तो ठीक कह रहा है, लेकिन सुनने वाला ने उसका अर्थ उल्टा ले लिया, इसलिए उसको वक्रोक्ति, वक्रोक्ति शब्द ही गलत है कायदे में, तो वक्रोक्ति तो होनी नहीं चाहिए। या ये मान के चलिए कि जो कह रहा है, जो सुन रहा है, वो कह रहा है कि वक्रोक्ति है, नहीं उल्टा कह रहे हैं आप, जो भी है इसका अलंकार है वक्रोक्ति। आप पढ़ेंगे, मैं अध्ययन कराने का प्रयास करूंगा, इसमें ज्यादा विवाद नहीं है। इसमें बोला गया, एक परिभाषा ले लेते हैं, यदुक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अन्येन
योज्यते। शिलेषेण काक्वा वा वक्रोक्तिस् तथा द्विधा। ठीक है, एक बार थोड़ा सा देख लूं क्योंकि मैंने दोनों से तैयार किया, कभी कभी क्या होता है कि ये बीच बीच में गड़बड़ हो जाती हैं चीजें। यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अनियोजिते शिलेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्तिस, चलिए इसको दोबारा से लिख दूं, सा वक्रोक्तिस तथा द्विधा। ठीक है, चलिए वही बात है इसमें भी, यद उक्तम अन्यथा, एक काव्य प्रकाश के अनुसार है, साहित्य दर्पण के अनुसार अभी बताऊंगा। इन दोनों के उदाहरण इकट्ठे करके दोनों के दो दो उदाहरण देने का प्रयास करूंगा, इसमें भी बदल जाती हैं चीजें। यद उक्तम अन्यथा, यानी कि जो वाक्यम वाक्य किसी ने कहा वो अन्य प्रकार से कहा, अन्यथा अनेन योज्यते, किसी दूसरे ने, यानी कि मैं वक्ता हूं, मैंने दूसरी प्रकार से जो वाक्य बोला है उसका प्रकार दूसरा है बोलने का, लेकिन अनेन योज्यते, दूसरे व्यक्ति ने उसका अर्थ दूसरा लगा लिया, उल्टा लगा लिया, या उल्टा नहीं किसी और अर्थ में ले लिया, उल्टे से तात्पर्य कुछ और हो जाएगा, उल्टा नहीं लगाएंगे, कुछ और ले लिया, ये लगा लीजिए आप, वह वक्रोक्ति कहलाता है। अब कह रहे हैं कि वक्रोक्ति ठीक है, आगे इसमें बोला गया तथा द्विधा, वह दो प्रकार का होता है। मान लीजिए कोई अर्थ लगाया किसी व्यक्ति ने, तो अर्थ जो लगता है वो ऐसे ही नहीं लगता, एक शब्द के जब कुछ ना कुछ अन्य अर्थ निकलते हो तो उसका अर्थ लग जाता है। तो यहां पर दो चीजें दी हैं, श्लेषेण काक्वा वा गेया सा वक्रोक्ति तथा द्विधा, अर्थात वो जो अर्थ लगाया अन्य प्रकार का वो श्लेष के द्वारा और काकू के द्वारा अन्य अर्थ लिया है। श्लेष का मतलब होता है हम जानते ही हैं दूसरा अर्थ चिपका हुआ, एक ही शब्द में दो अर्थ लगे होते हैं। अब श्लेष भी दो प्रकार का हो जाता है, फिर इसके दो दो उदाहरण हैं, एक तो होता है सभंग, सभंग का मतलब क्या होता है, पद दे रखा है, पद को दो भावों में तोड़ दिया तो वो हो गया सभंग। अभंग का मतलब, अभंग का सीधा सीधा एक ही वाक्य दे रखा, एक ही पद दे रखा, उसी का दूसरा अर्थ ले लिया, वो हो गया अभंग। सभंग और अभंग ये होते हैं, पद को तोड़ के भी दूसरा अर्थ लिया जा सकता है, पद के दो अर्थ होते हैं इसलिए भी उसका अर्थ लिया जाता है। तो ये श्लेष के अनुसार भी दूसरा वक्रोक्ति हो जाता है। आपको धैर्य बनाए रखना है क्योंकि अलंकार को समझना आसान नहीं है। यदि आपने इसको समझ लिया तो मैं आपको बता रहा हूं, श्लेष भी समझ में आ जाएगा, आपके काकू भी समझ में आ जाएगा, आगे के जितने भी अलंकार है धीरे 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 आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे, क्योंकि हम जब तक क्रम से नहीं चलते चीजें भूल भूल जाते हैं। काकू का मतलब क्या होता है, काकू का मतलब होता है कहने का लहजा, कहने का तरीका। ठीक है, काकू ये कंठ शब्द से बना, जब आप भाषा विज्ञान अध्ययन करेंगे तो काकू एक शब्द आता है उसमें, तो कंठ से ही लिया गया, यानी कंठ से ही चीजों को बदल लेते हैं, या कहने के तरीके से भी चीजों को प्रयोग किया जाता है। तो उससे भी कहा कुछ जा रहा है, लेकिन उसके कहने का जो तरीका है, कभी कभी हम प्यार की बातें ऐसे आवेश में आकर के बोल देते हैं कि उसका अर्थ ही बदल जाता है। कमेंट के माध्यम से कुछ चीजें बोली जाती हैं, अर्थ सीधा होगा लेकिन जैसे उस शब्द पर जोर दिया जाता है उसके अर्थ ही चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। खांसी के लिए माफी चाहूंगा, खांसी बहुत जबरदस्त हुई थी मुझे, अभी भी है। तो यहां पर उसके कारण भी अर्थ बदल जाते हैं। तो अब आपको उम्मीद है कि जो वक्रोक्ति है वो समझ में आ गया होगा, उदाहरण से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ये आपको मैं सही बताने का प्रयास कर रहा हूं। एक बार और बताता चलूं, वक्ता के द्वारा जो बोला गया,
श्रोता ने जो वाक्य बोला गया, श्रोता ने वह वाक्य सुना, लेकिन सुनकर के श्लेष और काकू के द्वारा उनके अर्थों में परिवर्तन करके उस अर्थ को सुना गया। ठीक है, इसलिए वक्रोक्ति अलंकार कहलाता है और वह दो प्रकार का होता है, या तो वो श्लेष वक्रोक्ति अलंकार होता है या काकू वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देख लेते हैं इसके। ठीक है, चलिए, ये मैंने दोनों उदाहरण हैं काव्य प्रकाश से लिख लिए हैं। ठीक है, इससे थोड़ा समय बच जाएगा। ये जो उदाहरण है वो श्लेष का है और ये जो उदाहरण है वो काकू का है। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो इसके परिभाषा के द्वारा इसको भी समझाने का थोड़ा प्रयास करूं। इसमें बोला गया है कि यद उक्तम अन्यथा वाक्यम, यानी कि वक्ता ने कोई वाक्य बोला, अन्यथा अन्य नियोजित, दूसरे ने उसका दूसरा अर्थ लगा लिया, दूसरा कौन, श्रोता। तो इसमें भैया अहो केन केने दृशी बुद्धि दारुणा तव निर्मिता, किसी वक्ता ने किसी पुरुष के लिए जो सुन रहा है उसके लिए बोला है, हे भगवान, ओह उस ब्रह्मा ने इसकी जो बुद्धि बनाई है वो कैसी कठोर बुद्धि बनाई है। दारुण मतलब यहां पर दारुणा मतलब कठोर, कठोर से लिया गया है। तब निर्मिता यानी कि तुम्हारी जो बुद्धि बनाई है वो ब्रह्मा ने कठोर बनाई है, उस ब्रह्मा ने तुम्हारी बुद्धि कठोर बनाई है, लेकिन जो सुन रहा है वो क्या कह रहा है, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि। वो श्रोता था वो कहने लगा कि हमने तो तीन प्रकार से यानी तीन गुणों से निर्मित बुद्धि को सुना है, वात पित्त कफ या सत्व रजस तमस, सारी चीजें इनसे चलती हैं। जैसे हम सांख्य दर्शन में अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें सारी चीजें सत्व रजस तमस, वात पित्त कफ गलत कर गया, आयुर्वेद में चला गया, तो सत्व रजस तमस से बुद्धि बनती है, त्रिगुणा श्रूयते बुद्धि, नातु दारु मई क्वचित, हमने तो लकड़ी की बुद्धि कहीं सुनी ही नहीं, आप ऐसी कह रहे हैं हमारी लकड़ी की बुद्धि है, काष्ठ से निर्मित बुद्धि तो आज तक हमने नहीं सुनी। तो यहां दारु जो शब्द प्रयोग किया गया है, दारु यहां पर दारु शब्द को ज्यों की त्यों ले लिया गया, वक्ता तो बोल रहा है कि आपकी जो बुद्धि है बहुत कठोर है जिसपे कुछ बातें जाती ही नहीं है, इस तरह से उनका कहना है। यहां पर जो श्रोता है जो सुन रहा है वो कहता है कि दारु हमने तो काष्ठ से निर्मित कोई बुद्धि सुनी नहीं है, तो कैसी हो गई, यानी कि वक्ता द्वारा जो वाक्य बोला गया उसको उसने उलट के अपने दूसरे ही अर्थ में ले लिया। तो इसको बोलते हैं वक्रोक्ति अलंकार। अब इसमें वक्रोक्ति अलंकार में क्योंकि दारु शब्द से दो अर्थ निकले, एक तो कठोर शब्द निकला, दूसरा निकला था लकड़ी यानी काष्ठ, तो दो अर्थ निकलने के कारण यहां श्लेष वक्रोक्ति हो गई। अब श्लेष वक्रोक्ति में दो प्रयोग किए गए थे, ए सभंग ए अभंग। एक तो सभंग, सभंग का मतलब मैंने बताया था पद को यदि तोड़ दिया जाए, वो मैं अगले जब साहित्य दर्पण बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा, इसमें बहुत बड़ा है उदाहरण उसका, इसलिए मैंने छोड़ दिया वो। और आप अध्ययन करना, विशेष अध्ययन करना चाहते तो आप उससे भी अध्ययन कर सकते हैं पुस्तकों के द्वारा, इतना तो यहां मुश्किल है संभव नहीं है, फिर भी मैंने दोनों उदाहरण ले लिए हैं। तो वहां पदों को तोड़ दिया जाता है तो एक ही पद से दो अर्थ निकलते हैं, यहां एक ही पद से दो अर्थ निकलने हैं, वहां एक पद को तोड़ करके दो पद बनाते हैं तब अर्थ निकालते हैं, तो वो सभंग कहलाता है। तो यहां पर जो कौन सा कहलाया जाएगा, अभंग, अभंग श्लेष वक्रोक्ति अलंकार कहलाएगा। ये किसका उदाहरण है, अभंग श्लेष वक्रोक्ति अलंकार का। ठीक है, अब हम काकू, काकू का मतलब विशेष लहजे से कोई बात कहना या कोई वाक्य है उसका अर्थ ही दूसरा से समझ लेना, ये कह रहे हैं। इन्होंने बोला है कोई सखी है अपनी सखी की बातें सुन रही है, या कोई सखी अपनी सखी को बातें कह रही है क्या, गुरुजन परतंत्रतया दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम, गुरुजन परतंत्र, गुरुजन से तात्पर्य क्या है, गुरुजन से तात्पर्य होता है बड़े लोग, घर में जो भी माँ बाप हैं भाई बहन है, मतलब जो भी आपसे बड़े हैं वो सब गुरुजन के अंतर्गत आते हैं, उनके स्वतंत्र उनके परतंत्र होते होने के कारण यानी उनकी आज्ञा के पालन से अपनी मर्जी से नहीं गए, गुरुजनों की आज्ञा से दूर तरम देशम उद्यतो गंतुम, दूर देश जाने के लिए तैयार हुए,
कौन? उस सखी जो बात कर रही है उसके पति, नायिका के पति। अली कुल कोकिल ललते सुरभि समय असौ, यानी अली कुल किसे कहते हैं? भौरे का समूह। कोकिल ललते, भौरे का समूह कब आता है और कोकिल कब कूंजती है? वसंत समय। हम सुनते हैं ना वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, तो वसंत समय यानी कोकिल जब कूंज रही है तो वो समय आ गया है भ्रमरों का, कुंजन का, समूह का, मंडराने का जो समय है। सुरभि वो सुंदर मनोहर वसंत का समय है, आ गया है। ना इष्यति सखी, सखी नहीं आएंगे, यानी कि वो नहीं आएंगे, ये इसका अर्थ है। लेकिन ना इष्यति शब्द में ही ऐसा नहीं है, सखी वो आएंगे, वसंत का समय है इसलिए मेरे पति अवश्य आएंगे, इसको इस अर्थ में लिया गया है। क्योंकि वो अपनी मर्जी से तो गए नहीं है, यदि अपनी मर्जी से जाते तो नहीं आते, वो गुरुजनों की मर्जी से गए हैं और बसंत समय अब आ गया है इसलिए मेरे पति अवश्य आएंगे। तो यहां नेशति शब्द में काकु है, तो इसमें कौन सा लगेगा? काकु वक्रोक्ति अलंकार के नाम से इसको जान सकते हैं। ठीक है, ये दो उदाहरण हैं, आप इसको एक दो बार देखेंगे तभी समझ में आएगी। अब ये अभ्यास का विषय रह गया, आप कितना अभ्यास कर सकते हैं इसमें, इसमें ज्यादा समझाने के लिए नहीं है, चीजें हैं उनको एब्जॉर्ब करिए और उसको समझने के लिए तरीका और बताता चलूं। छंद को समझना है तो जितने भी नाटक हैं, नाटक में जो श्लोक दे रखे हैं, पद्य दे रखे हैं, उनसे समझिए छंदों को। क्यों? क्योंकि जो काव्य होता है, पद्य जो होता है, पद्य काव्य जितने भी हैं उनमें ज्यादातर छंद एक जैसा ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाटक में हर जो श्लोक आता है उसमें छंद बदल जाता है, छंद बदल जाता है जब हम छंद का उससे प्रयोग करें, ऐसे ही उसमें अलंकार से भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अलंकार को बार 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 करेंगे, इनके 8 से 10 कर लीजिए आप, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 8-10 इकट्ठे श्लोक करने के बाद आप फिर इसको भूलेंगे नहीं, आपको बस इतना याद आ जाए कि इसका उल्टा अर्थ हो जाता है, वक्ता कहता कुछ और है, लिया कुछ और जाता है उसका अर्थ, बस इतना ही है इसमें। अब मैं साहित्य दर्पण से और थोड़ा सा बताने का प्रयास करूं, उसके भी उदाहरण दूंगा तो आपको और शायद समझ में आ जाए। साहित्य दर्पण में भी इसी की तरह ही है, एक एक चीज को देखते चलेंगे। इसमें बोला गया है ये अलग है, ठीक है, ये हम अलग देखेंगे। अन्यस्य अन्यार्थकम् वाक्यम्। अन्यस्य अन्यार्थकम् वाक्यम् अन्यथा योजयेत् यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वा सा वक्रोक्ति ततो दुधा। ठीक है, अन्यस्य अन्यार्थकम् वाक्यम् अन्यथा, वाक्यम् अन्यथा योज्यत् यदि अन्यः श्लेषेण काक्वा वासा वक्रोक्ति साधुता। अब देखिए, यही वही बात इसमें बोली है, वही इसमें बोला है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अन्यस्य अन्यार्थकम् वाक्यम्, यानी कि जो वाक्य है वो कोई अन्य अर्थ के द्वारा बोला गया है, यानी किसी वक्ता ने अन्य अर्थ में बोला है। अन्यथा योजेत यदि, कोई दूसरा व्यक्ति उसको अन्य अर्थ में जोड़ लेता है, ठीक है। अन्य कहा? श्लेषेण काकुआ वा, या श्लेष से या काकू से,
सा वक्रोक्ति, वह वक्रोक्ति कहलाता है, ततः द्विधा, और वह दो प्रकार का होता है, वो हमने ऊपर भी बता दिया, सेम चीज है इसमें। तो श्लेष वक्रोक्ति और काकु वक्रोक्ति दो प्रकार का होता है। श्लेष में फिर दो चीज हो जाती है, सभंग श्लेष है या अभंग श्लेष है, वो वाक्य जब हम पढ़ते हैं तब पता चलती है इसमें। और इसमें इसे बोल रहा था कि साहित्य दर्पण का प्रकाश में अगर एक साथ भी लेके चलें तभी कोई समस्या नहीं है, अलंकार सीधे सीधे हैं, इनमें कोई समस्या आने वाली नहीं है, परिभाषा भी समझ में आ जाएगी। यद उक्तम अन्यथा वाक्यम अन्यथा अनियोजिते, एक लाइन में इसका अर्थ है ऐसी यह है, अन्यस्य अन्यार्थकम वाक्यम, वाक्य यहां भी आ रहा है याद रखना, वाक्य मुख्य है, वाक्यम अन्यथा यहां भी आ रहा है, अन्यथा यहां भी आ रहा है, यानी वाक्य है उसका अर्थ अलग कर लिया जाए, कह रहे ना योज, यानी योज ले, योजन कर दे, जोड़ ले, अपने अर्थ अपने आप से लगा ले, ये इसका तात्पर्य है, वो वक्रोक्ति कहलाता है। और वह दो प्रकार का होता है, दुविधा दुविधा, दुविधा दुविधा, यानी दो प्रकार का होता है, श्लेषेण श्लेषेण काकुआवा, यानी श्लेष्य और काकू से दो प्रकार का होता है, ये इसमें बिल्कुल एक जैसा ही है परिभाषा, थोड़ा थोड़ा अंतर है, लेकिन साहित्य दर्पण को पढ़ेंगे तो उसमें इतना समय लगता है, उसको पढ़ेंगे तो उसमें इतना समय लगता है, बराबर समय लगता है, और उसमें काव्य प्रकाश को पढ़ते हैं साहित्य दर्पण भूल जाते हैं, साहित्य दर्पण पढ़ते हैं तो काव्य प्रकाश भूल जाते हैं, ये बड़ी समस्या रहती है इसमें। चलो मैं इसके उदाहरण भी दे दूं आपको, इसमें दोनों उदाहरण देने का प्रयास करूं, इसके उदाहरण मैंने पहले बताया था वैसे ही लिख लिए हैं, इसमें चार पंक्तियां हैं, मैंने दो पंक्तियां ही लिखी हैं, समझाना ही है, डिटेल में आप साहित्य दर्पण से अध्ययन कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। जैसे ये श्लेष का है, हम जानते ही हैं श्लेष का उदाहरण है ये, और ये काकू का है, ठीक है। श्लेष में हम बताया था दो भाग हो जाते हैं, अभंग और सभंग। अभंग का मतलब जब पद को तोड़ दिया जाता है, इसमें दोनों को ले लिया गया है। प्रश्न जो वक्ता है वो किसी व्यक्ति से जिससे प्रश्न कर रहे हैं उसे पूछते हैं के यूयम, आप कौन हैं, क्योंकि इसमें सर्वनाम में किन के रूप चलते हैं आप सब जानते हैं, और एक होते हैं का के रूप, वो जलवाचक होते हैं, तो जलवाचक में सप्तमी विभक्ति में के रूप बनता है। जब जलवाचक प्रयोग करेंगे तो सप्तमी विभक्ति में के रूप बनेगा, नहीं तो ये प्रथमा का ही रूप होता है। तो प्रश्नकर्ता ने तो पूछा है आप कौन हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने पूछा आप कौन हैं, उन्होंने इस के का अर्थ कौन ना लेकर के क्या लिया है, जल लिया है। अब क्योंकि अर्थ क्यों लिया है कि हिंदी में नहीं बोला उन्होंने, मैं पूछ रहा हूं कि आप कौन है, के यूएम ये पूछा, सीधा सीधा बोला है, तो उन्होंने लिया है के यूएम मतलब तुम जल में हो, इसका अर्थ हुआ तुम जल पर हो या जल में हो, क्योंकि सप्तमी में के प्रयोग होगा, मैं पेपर प्रयोग किया जाएगा, तुम जल में हो या आप जल में हैं, के यूएम श्रोता ने इसका अर्थ लिया, के यूएम यानी आप जल में हैं, तो श्रोता उसका उत्तर देता है स्थल एव संप्रति वयम, इस समय मैं जमीन पर ही हूं, स्थल एव संप्रति वयम, इस समय मैं धरती पर ही हूं जल में नहीं, वक्ता ने छोड़ दिया कोई बात नहीं। दूसरा करता है प्रश्नो विशेषाश्रयः, मैं आपसे विशेष प्रश्न पूछता हूं, विशेष प्रश्न से तात्पर्य क्या है, उनकी जाति नाम धर्म कहां से आए हैं, पूरी मतलब विशेषताएं उसकी जानना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया, जो श्रोता है उन्होंने उस शब्द को भी तोड़ दिया, विशेष शब्द है इसके दो हिस्से कर दिए, वी और शेष, यहां पर जो बनता है ना, जब मैंने बताया था पद जब टूट जाए तो क्या बन जाए, सभंग श्लेष बन जाएगा, इसी में से आ रहा है अर्थ तो, लेकिन उसको तोड़ के अर्थ निकालने हैं, तो इन्होंने अर्थ निकाला किम ब्रूयते विहग सा वा फणिपति यत्रस्ति सुप्तो हरि, उसने अर्थ ले लिया प्रश्नो विशेषाश्रया, यानी उसने कहा सोचा कि ये विश्वी और शेष यानी कि पक्षी गण पक्षी से और शेष यानी शेष नाग से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो बोल रहे हैं वो श्रोतागण कि अच्छा तो फिर बताइए किम ब्रूयते, तुम्हारे जो पक्षी हैं और शेष नाग है वो क्या कहते हैं,
सुप्तो हरि यानी कि जो भगवान विष्णु सोते हैं, इसमें दो लाइन और है, उसको नहीं छोड़ दिया है मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे केवल आपको यह समझाना है, पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना मेरा उद्देश्य नहीं है, पर तो आप एक्सपर्ट हैं, पर थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो परीक्षा में काम दे जाएगा। तो के शब्द का जो अलंकार बनेगा वो कौन सा बनेगा, अभंग, क्योंकि के शब्द के दो अर्थ हो गए, ये तो सर्वनामवाची से अर्थ हो गया, प्रश्न हो गया कौन, और दूसरा जल, जल में प्रयोग किया तो सप्तमी व्यक्ति, वैसे इसमें प्रथमा में प्रयोग किया गया है। और इसमें विशेष में दो हिस्से में बट गया, ये वी और शेष, यानी पक्षी और शेषना, इसलिए यहां पर कौन सा हो जाएगा, सभंग श्लेष वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है। अब नीचे वाला काकू वाला देख लेते हैं, काकू वाला वो बसंत वाला उदाहरण इसमें भी है, बसंत वाला उसमें भी है, वहां नायिका कुछ और कहती है, यहां पर नायिका कुछ और कह रही है, यहां नायिका में नाराजगी चल रही है, वहां नाराजगी नहीं थी, वहां गुरुजनों की व्यवस्था थी, गुरुजनों ने भेज दिया था, लेकिन वो इसलिए वो आ जाएगा, उनको आशा थी। यहां क्या है, काले कोकिल वाचले सहकार मनोहरे, यानी कि वो समय आ गया है जब कोयल वाचाल हो जाती है, बोलने लगती है, और जो आम्र होते हैं, आम के वृक्ष होते हैं, वो फूलने लगते हैं। कृतागसा प्रत्यागात, यानी कि जो नायक है उसके द्वारा प्रत्याग की हुई नायिका का, तस्य चित्त चेतो ना दुयते, क्या उसका चित्त दुखी नहीं होगा, खिन्न नहीं होगा, अर्थात उसका चित्त दुयते खिन्न होगा, ना दुयते, यहां दो अर्थ में नहीं होगा, यहां क्या शब्द नहीं है, यानी प्रत्याग की हुई जो नायिका है उसका मन खिन्न नहीं होगा, ये अर्थ है इसका। तो लेकिन भाई कोई चीज छोड़ दी है नायिका, अगर नायक ने छोड़ दी है तो ऐसा नहीं है, बस इन समय प्राप्त हुआ तो उसका मन दुखी नहीं होगा, तो यह ना दुयते से उसका अर्थ लिया जाएगा, कहने के लहजे से या उसके अर्थ में जो छुपा हुआ है कि हाँ जब बसंत समय आएगा तो उसका मन खिन्न होगा, दुखी होगा। इस तरह से यहां पर हमने वक्रोक्ति अलंकार को समझने का प्रयास किया, बड़ा हो गया होगा वीडियो, एक दो बार आप देखेंगे तो शायद समझ में आ जाए, हो सकता है मैं इसको कम समझाने में समझ रहा हूं ऐसा आपको लगे, और मैं भी एक बार आपको कहना चाहूंगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताया करें, जिससे कि पता चलता रहे कि कैसा हम कर पा रहे हैं। यदि दोनों को एक साथ लेके चला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, या एक एक करके लेके चला जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, जैसा भी आप बताएंगे हम आगे से ऐसा ही करेंगे। ये तो केवल एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया गया है, ये नेट में वक्रोक्ति अलंकार आता है, इसके अभ्यास करिए, चारों मैंने उदाहरण दिए हैं, इन चारों से हटके नहीं आता कुछ भी, आप पिछले पेपर उठाकर देख सकते हैं, एक इसमें उदाहरण मैंने सभंग वाला छोड़ दिया है काव्य प्रकाश का, आप उसको देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।